नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री राधे हर हर महादेव। आज मैं आपके समक्ष वैशाख महात्म्य का अध्याय एक लेकर उपस्थित हूँ। वैशाख महात्म्य का महत्व हमने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था और आज वैशाख माह आरंभ होने के पश्चात प्रतिदिन एक एक महात्म्य लेकर हमें आपके समक्ष उपस्थित होना है और प्रत्येक दिन के महात्म्य का आपको महत्व समझाना है। चलिए बढ़ते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के वचन सुनकर राजा श्री अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो और वैशाख माह को सबसे श्रेष्ठ क्यों बताते हो? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में हम क्या दान करें, कैसे तपस्या करें, किस देवता का पूजन करें? हे कृपा निधि, उस समय में किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सुदुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है मनुष्य की योनि में जन्म होना। मनुष्य होने पर हम अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी भी चाहिए और प्रवृत्ति होना कठिन भी है, क्योंकि उससे भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान वासुदेव की भक्ति और उसके प्राप्त होने पर हमें माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिल जाए, ये तो हमारे लिए भगवान की कृपा के स्वरूप ही अनुकूल हो सकता है। माधव मास माधव लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है, जो वैशाख मास को पाकर विधि पूर्वक स्नान दान तप आदि अनुष्ठान करते हैं, वह मनुष्य धन्य और कृतकृत्य हो जाते हैं। जो आपके दर्शन मात्र से पापियों के पाप दूर हो जाते हैं, आपके भगवत भाव से आपके चरणों के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से पूर्णिमा तक के जो 5 दिन हैं, वो समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति उपजारों और मधु द्वारा दैत्यों के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला ऐसी कौन सी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का जो ध्यान करते हैं, उस मनुष्य का जीवन संसार में व्यर्थ नहीं जाता। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि दिए बिना ही मर जाता है, उसका तो धन ही व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्मी अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग और दान करने से अधिक प्रसन्नता, उदारता, उत्तम धैर्य, यह सब कुछ श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो कार्तिक में, माघ में और माधव मास में प्रिय लगने वाले वैशाख माह में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। हे भूप, जो सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख माह में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के उपार्जित पापों की राशि नष्ट हो जाती है, यही मुझे ब्रह्मा जी ने बताया है। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है और इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा, यमुना मा तीर्थ, नर्मदा, सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि न संभव हो तो घर में ही
जो भी आपके घर में तीर्थ का जल रखा हो उसकी कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के पश्चात भगवान माधव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको तपस्या के समान फल प्राप्त होता है, अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आप रोग व्याधि से रहित रहते हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त करोगे और उनकी आराधना करके उनकी शरण में निमित्त हो जाओगे। व्रत लेने वाला पुरुष यमुनियों का पालन करे, शक्तियों के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर निंद्रा ले और ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे। हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करे। ऐसा करने से वैशाख पूर्णिमा तक जो करता है वह श्रेष्ठ प्रभु के निमित्त अपना समर्पण करके प्रभु को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराए, जल इत्यादि का दान दे, धेनु दान जो भी सामर्थ्य के अनुसार हो और अंत में त्रुटि होने पर अपनी क्षमा मांगे। हे भूपाल, हे लक्ष्मीपति जगदीश्वर महादेव, उसी प्रकार हे माधव मास मधुसूदन को बहुत प्रिय है। उपयुक्त नियमों का पालन करने के पश्चात 12 वर्षों तक स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी सभी शक्तियों के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो सुना था वह सब महात्म मैंने तुम्हें सुना दिया है। अम्बरीश ने पूछा, मुनि स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है और फल इसका अत्यंत दुर्लभ है, तो मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा, मुझे मोह क्यों हो रहा है। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा संदेह ठीक है, थोड़े परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति थोड़ी असंभव सी लगती है, परंतु तुम विश्वास करो, यह स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है कि धर्म की गति सूक्ष्म होती है। यह बात समझने में बड़े बड़े पुरुषों को कठिनाई होती है, इसीलिए वह धर्महीन आचरण करते हैं और उनका अंत भी प्रभु के हाथों निमित्त होता है। श्रीहरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृतियों में विद्वान भी मोहित हो जाता है। भोपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पार के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के बाद उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण नारायण कहकर पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, इतने में उसे दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक यदि आग का स्पर्श कर लिया जाए तो वह शरीर को जलाती है, उसी प्रकार दूसरों के निमित्त यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण कर लिया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर देते हैं, चाहे वह अल्प हो या अधिक हो। छोटी से छोटी दिखने वाली वस्तु हो या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, सबका नाश देखा जा सकता है। जरा सी तिन के जैसी चिंगारी से भी पूरे के पूरे बोझ का स्वाहा हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें अनजाने में भी किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, पुण्य का वर्णन करने की मुझमें शक्ति नहीं है। अतः हे भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है, वैसे ही हरिनाम का भय बड़े से बड़े पापों का नष्ट कर देता है। उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर प्रातः स्नान करने से, तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज भागने से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख में स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं, यह निश्चित है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा नर्मदा जल में नहाकर एक या दो तीन समय की भक्ति भाव के साथ भगवान का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से समय में आपको यह वैशाख का संपूर्ण महात्म्य सुना दिया है और इसी के साथ वैशाख माह का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। प्रिया प्रियतम श्री राधा रानी सरकार की जय। मिलते हैं वैशाख माह के द्वितीय अध्याय में। श्री राधे, हर हर महादेव।